किसी मुल्क का बादशाह अपने जुल्म की वजह से बहुत मशहूर था। उसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे। किसी की इतनी हिम्मत ना होती थी कि उसको कोई इनकार करे। वो लोगों को बिला वजह तंग भी नहीं करता था, ये उसकी खूबी थी। मगर वो जो बात कह देता अगर पूरी ना होती तो वो जुल्म करने पे उतर आता था। उसके महल के सामने एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों के साथ रहती थी, जो लोगों के घरों में काम करती और दो वक्त की रोटी कमाकर गुजारा कर लेती थी। उसका खावन शादी के 5 साल बाद फौत हो चुका था, क्योंकि उसके मुल्क में अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी। वो अपने बच्चों की देखभाल खुद करती और जिंदगी बहुत सुकून से गुजार रही थी। बादशाह को एक दिन महसूस हुआ कि क्यों ना अपने महल को मैं और बड़ा कर लूं, शानदार बन जाएगा। उसने अपने मुलाजमों से कहा कि महल की दीवारें गिराकर बड़ा करो, इसकी शानदार तामीर करो। जो महल के करीब लोग थे वो अपना सामान लेकर वहां से चले गए थे, मगर वो बूढ़ी औरत जाने को तैयार नहीं थी। बादशाह ने उसको कहा कि वो जल्दी से अपना घर खाली करे, तो उसने बादशाह से कहा कि मैं घर खाली कर दूं, मगर मैं अपने बच्चों को कहां लेकर जाऊं। तो बादशाह ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, तुम जहां मर्जी जाओ। तो उसने कहा कि मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकती, अगर आप मुझे दूसरी जगह ले दें तो ठीक है, वरना मैं अपना घर खाली नहीं करूंगी। दूसरे दिन वो काम पे चली गई तो बादशाह के मुलाजमों ने उसका घर गिरा दिया, उसका सामान बाहर फेंक दिया और बच्चे रोते रहे, मगर किसी को उन पे रहम नहीं आया। जब वो बुढ़िया शाम को लौटी तो ये सब कुछ देखकर रोने लगी और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होकर अल्लाह से शिकवा करने लगी कि ए मालिक, मैं उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थी, मगर आप ये सब देख रहे थे, आप भी ये जुल्म ना रोक सके। उसके ये अल्फाज मुंह से जारी हुए थे कि अल्लाह ने रात को अपना अजाब नाजिल फरमा दिया। इतना जोर से जलजला आया कि उसका महल पूरा जमीन में धस्ता गया। ये थी एक माँ की प्यार की एक झलक, जो अपनी औलाद की खातिर अपने रब से एक बार दुआ भी कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी खाली नहीं लौटाता। इसलिए माँ की कदर को पहचानो, उसकी मोहब्बत को कभी मत आजमाना, क्योंकि वो तुमसे उतना प्यार करती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। कभी भी अपनी माँ को नाराज मत करो, ये तो दुनिया की हर चीज तुम्हारी खातिर छोड़ देती है, मगर तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। माँ को जिंदगी में अगर कोई सुख नहीं देख सकते तो कभी उसको दुखी मत करना कि अगर माँ ना रही तो कोई तुम्हें दुआ भी नहीं देगा।